सुप्रीम कोर्ट अब मध्य प्रदेश के मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने इस मामले में ये कहा कि दूसरे पक्ष को सुनना जरूरी है। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और अर्जी लगाकर यह कहा था कि इस मामले में जल्दी सुनवाई कराई जाए और स्पीकर को यह कहा जाए कि वो जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर इस मामले में शक्ति परीक्षण कराएं। हम बात करते हैं, मुकुल रोहतगी यहां पहुंच चुके हैं। आज केस की सुनवाई हुई, ना कांग्रेस पार्टी, ना चीफ मिनिस्टर, ना स्टेट ऑफ एमपी मौजूद था। उन सबको मालूम है कि ये केस लगा है, बट वो जान के गैर हाजिर रहे। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद अर्जेंसी देखते हुए कल सुबह 10:30 बजे के लिए नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि इनकी तामील कर दीजिए और 10:30 बजे सुबह इसकी बहस। सर, बीजेपी ने क्या ग्राउंड लिया है, क्या कहना चाह रही है बीजेपी के साथ? जो ग्राउंड सिर्फ ये है कि सरकार का बहुमत नहीं है, 22 आदमी उनके चले गए तो बहुमत नहीं है, इसलिए आप फ्लोर टेस्ट करें। फ्लोर टेस्ट वो करना नहीं चाहते, सिंपल है। रोहतगी ने यह बताया कि इस मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि सामने वाली मतलब प्रतिपक्षी दूसरी पार्टी को भी सुनने की जरूरत है, लिहाजा नोटिस जारी कर 24 घंटे में रिटर्नेबल किया है और बुधवार को सुबह तक इस मामले में जवाब आ जाएगा और उसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। संजय शर्मा, दिल्ली।